और मैं हूँ तानी और भैया आज हम लोग ईरान के जिस शहर में मौजूद हैं वो यहाँ का कैपिटल माना जाता है, सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन शहर कहलाता है जिसका नाम है तेहरान। तो भाई आज की वीडियो का प्लान ये है कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ के मसरूफ तरीन और सबसे कदीम तरीन बाजार से जो जाना जाता है तेहरान ग्रैंड बाजार के नाम से और उसको बुजुर्ग बाजार भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग रुख करेंगे गुलिस्तान पैलेस का जो कि भाई सफाविद डायनेस्टी के दौरान तामीर किया गया था। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कैप्चर करें तेहरान इन अ वीडियो थ्रू आवर आईज, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का मज़ेदार खाना पीना। और खाने पीने से मुझे याद आया कि यहाँ का ईरानी टी कल्चर मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ की सबसे फेमस टी हाउस में जाना है और बहुत ट्रेडिशनल यमी खाना खाना है। चलें बस फिर शुरुआत करते हैं एडवेंचर की, आ जाए। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि मेरे पीछे है क्या, वेल दिस इज कॉल्ड द आज़ादी टावर। ये समझ ले कि ये तेहरान का मिडिल है। इट इज सराउंडेड बाय लाइक फुल ऑन पार्क्स कॉल्ड आज़ादी स्क्वायर। और यहाँ पे बेसिकली सारे तेहरान के लोग यहाँ को पास करते होंगे दिन में, बिकॉज एयरपोर्ट उस तरफ है और सिटी उस तरफ है। सो आज हमारा थर्ड ऑफिशियल डे है ईरान में एंड वी आर ऑलरेडी इन लव। यहाँ की गलियाँ, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोग, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। वैसे इमी और तानी तो कहते हैं कि अगर किसी भी जगह को सही तरह एक्सप्लोर करना है तो ऑन फुट होता है, लेकिन आज़ादी स्क्वायर से ग्रैंड बाजार तक का रास्ता 45 मिनट की ड्राइव थी, बट वी रियली एंजॉयड दिस ड्राइव एज वेल और रास्ते में बहुत सारी नई जगह देखी। तो हमने सोचा कि तेहरान की वीडियो को शुरू करते हैं ग्रैंड बाजार। इसका नाम बाजार बुजुर्ग भी है एंड दिस प्लेस इज ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। इस जगह की बहुत सारी कॉरिडोर्स हैं लेकिन ये इसकी सबसे मेन एंट्रेंस है कॉल्ड सब्जे मैदान। तो हम इधर बिल्कुल गुम होने आए हैं एंड इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। यहाँ पे कपड़े हैं, जूते हैं, मेकअप है, उसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप दिन के वक्त यहाँ आएँ आपको लिटरली जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। इट्स लाइक अ फुल ऑन संडे बाजार लेकिन हर दिन होता है। तो यहाँ के लोकल टूरिस्ट सब लोग यहाँ आना पसंद करते हैं और यहाँ से ख़रीदारी करना पसंद करते हैं और अभी हम भी यही करेंगे। Are you this one? This is you? My father. Your father? Oh wow. This is the smallest tea shop in the Grand Bazaar. 100 years ago. Asiri halqa ye zulfa zulfay tu yumma asiri halqa ye zulfa zulfay tu yumma. तो भैया लोकल्स ये कहते हैं कि इस तेहरान के ग्रैंड बाजार की असल तारीख तामीर जो है वो कोई नहीं जानता, लेकिन जब यहाँ पे मुसलमानों ने फतह किया था पर्शिया को, ईरान को, तो यहाँ पे जो है वो कॉमर्स के लिए उन्होंने एक छोटा सा बाजार बनाया था और वो दिन ब दिन वक्त के साथ साथ जो है वो फैलता गया और फैल फैल के वो इतना बड़ा हो गया कि सफाविद एरा में कहते हैं कि काफ़ी बड़े रकबे पर जो है वो फैल गया था। लोकल्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो मुनासिब कीमत पर चीज़ें मिल जाती हैं और उसके अलावा सबसे ज़्यादा चहल पहल और रौनक इस बाज़ार में जब होती है जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजते हैं और तकरीबन ये शाम 5-6 बजे तक जो है वो चलती है। और देखते देखते जो है ये बाज़ार इतना फैल गया कि तकरीबन 10 किलोमीटर लंबाई के ऊपर जो है वो फैला हुआ है और इसको वाकई में एक या दो दिन में कवर करना जो है वो नामुमकिन है। तो बाज़ार इतना लंबा है कि भाई यहाँ पे चल फिर के जो है ना वो आपको प्यास लग जाएगी। और वैसे ही हम लोग गर्मियों में आए तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन उसका ऑप्शन ये है गर्मी दूर करने का कि आप जूस की दुकान पे जाएं। यहाँ पे आपको सैकड़ों जूस की दुकानें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पीछे जो है वो मोहितो है, उसके अलावा यहाँ पे तुखम शरबती ज़ाफ़रानी है, आप लीमू ताज़ा है, खाकशीर है। खाकशीर तो खाकशीर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ
करो तो मैं मूली का थोड़ा सा दूंगा और इसके साथ मिलाएंगे भाई आप लीमू ताज़ा। वाह 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 वाह, बहुत रिफ्रेशिंग है भाई। अगर आपको रिफ्रेश होना है, गर्मी दूर करनी है, ये पिए। अच्छा, तो लोकल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन की चीज़ दे रहे हैं। इट्स बेसिकली सैफ्रॉन आइसक्रीम और इसके अंदर कैरेट जूस मिला रहे हैं। जो क्यों कर रहे हैं हम थक गए हैं तो अब हम जाएंगे गुलिस्तान पैलेस, जो कि सिर्फ 10 मिनट की वॉक है एंड इट इज जस्ट आउटसाइड हियर, तो लेट्स गो देयर। काजार डायनेस्टी ये जगह एक सीटेडल थी, लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया और पहलावी डायनेस्टी आई, इस जगह को उन्होंने बेसिकली एज अ पैलेस यूज़ किया जस्ट फॉर फंक्शंस। ये नो लॉन्गर एक सीटेडल थी और अब जैसे हम आए हैं आज, इट्स अ रियली ग्रेट प्लेस फॉर टूरिस्ट्स। भैया हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गुलिस्तान पैलेस में, जिसको उरूज पैलेस भी कहा जाता है। और कहा यह जाता है कि जब उरूज था काजार डायनेस्टी का, तो उस ज़माने में ये तामीर किया गया था पैलेस। और क्या खूबसूरत, क्या आलीशान, क्या दिलकश पैलेस है ये। ख़ास तौर पर ये जो ग्लास वर्क है ईरान का, ये पूरे ईरान में जो है बहुत मशहूर है। और यहाँ पर भी इस पैलेस में वो नुमाया है कि उन्होंने किस तरह से इसको खूबसूरती से उन्होंने यहाँ पर ग्लास वर्क किया हुआ है पैलेस में। ऊपर जो है अगर हम सीलिंग की तरफ देखें तो वो मिरर का काम हुआ है, पूरा ग्लास वर्क है। गुलिस्तान पैलेस जो है वो अच्छा खासा बड़ा है और काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है। और ये उसका एक हॉल है जिसका नाम है तख्ते मरमर। तो यहाँ पे पूरा जो फ्लोर के ऊपर जो काम हुआ हुआ है वो संगे मरमर का है, जैसे हम उर्दू में संगे मरमर कहते हैं, उन्होंने यहाँ तख्ते मरमर कहा है। और मार्बल की वजह से अंदर से पूरा महल जो है वो नहायत ठंडा है, बाहर शदीद गर्मी है लेकिन अंदर जो है बड़ा पुरसकून माहौल है। और ये पीछे जो मेरे आप लोग देख रहे हैं, ये तख्त थी, ये मेरे ख्याल से उस ज़माने के जो बादशाह होते थे, जो रूलर होते थे, वो इसके ऊपर बैठ के, ये थ्रोन थी उनकी, तो वो यहाँ पर बैठ के ऑर्डर दिया करते थे, चाय ले आओ, समोसे ले आओ, इस तरह की चीज़ें। और अच्छा, तख्ते मरमर के अलावा यहाँ पर दीगर और मुतादिद हॉल बने हुए हैं, जिनमें से सरे पैलेस है हॉल ऑफ डायमंड्स और हॉल ऑफ मिरर्स। तो वो भी चलते हैं, वो भी चेक करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये इस पूरे गुलिस्तान पैलेस का सबसे फेमस रूम है, बिकॉज ऑब्वियसली शीशे ही शीशे लगे हुए हैं, आप अपने आप को हर एंगल से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ एक्सट्रीमली रॉयल, बिकॉज एक फुल रेड कारपेट बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए, टू लेवल्स है एक्चुअली। इस पूरे रूम में मिरर्स तो हैं ही, लेकिन अदर देन दैट यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है ऑन द फ्लोर एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स। और ये यहाँ ईरान के यज़्द प्रोविंस से है, इट्स लाइक अ येलोई वाइट मार्बल, एक्सट्रीमली ठंडा और बहुत ही अच्छा मार्बल है। गुलिस्तान पैलेस, अब हमने ये देख लिया है और अब थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, लेकिन बाहर गलियों में जाएंगे। मेन पैलेस वो होगा जो मैं बनाऊंगा।
very good. Very good. It's very busy, Tehran. Tehran is so big. Yes. It's very yes, big. Yes. So big. तो गुलिस्तान पैलेस बहुत गुलाबी था, बहुत मज़े का था, लेकिन बहुत अब भूख लग रही है। और एक्चुअली यहाँ के लोकल्स ने कहा कि यहाँ की ईरानी टी ज़रूर ट्राई करें। तो एक कैफ़े है ईरान कैफ़े, और वहाँ पे बहुत फेमस टी मिलती है, तो वो हम ट्राई करने जा रहे हैं, लेकिन लोकल वे में। बिल्कुल ऐसी है। तो ईरान का टी कल्चर जो है वो बहुत सॉलिड है भाई, और यहाँ पे बहुत लोग पसंद करते हैं चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ख़ास तौर पे वो जो हम लोग जिसको कहवा कहते हैं वो ये लोग बहुत पीते हैं। तो इम्तिसाल ने एक कैफ़े ढूंढा है, बहुत पुराना, बहुत ट्रेडिशनल, जहाँ पे चाय मिलती है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी टैक्सी जो हमने पकड़ी है ना यार, वो बिल्कुल लोकल्स की तरह पकड़ी है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे यूजली ये करते हैं कि स्नैप एक ऐप है, जैसे ऊबर है, उसको यहाँ पे इन्होंने स्नैप के नाम से बनाया हुआ है, वो लोग यूज़ करते हैं, हम भी वही यूज़ करते हैं। लेकिन आज लोकेशन जो है वो हमारी वो नहीं हो रही थी, पिक नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि यार हम लोकल्स की तरह जाते हैं टैक्सी वालों के पास मुख्तलिफ, और उनसे पूछते हैं कि कितने पैसे लोगे। मैप पे हमने उनको जगह दिखाई, कोई कह रहा था कि 1 मिलियन ईरानी रियाल, कोई कह रहा था 2 मिलियन, कोई कह रहा था कि मतलब इससे कम नहीं हो रहा था, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा है कि वो जगह जो है हमसे इतनी दूर नहीं है। तो हमने यही कहा कि यार हमें 50 तुमान में चाहिए। तो ये एक बड़ा मसला होता है यहाँ पे ईरानी रियाल और तुमान वाला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तुमान यूज़ करते हैं, नोट पे रियाल लिखा होता है, तो जो फॉरनर्स आते हैं उनके लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और समझना बहुत मुश्किल होता है कि यार ये रियाल है या तुमान है। लेकिन हमें अच्छी डील मिल गई है 60 तुमान में, तो बस अंकल लेके जा रहे हैं हमें, और अंकल को रास्ता नहीं पता तो हम उनको डायरेक्शन दें। Can you ask him how many teas has he made in his lifetime? Yes, Pakistan. Pakistan. جزاک اللہ خیر۔ تو بابا غازی جو ہیں بھائی وہ یہاں کے سپر اسٹار ہیں، بہت پرانے ہیں میرے خیال سے۔ ان سے بھی میں نے یہی پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی چائے بنائی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں بتا نہیں سکتا، اتنی بنائی ہیں، ملین سے اوپر ہوں گی چائے۔ لیکن اب میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ میں یہ ٹرائی کروں گا، یہ ان کی بالکل ٹریڈیشنل سمپل جو بیسک کاوا ہوتا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے کیک پیس دیا، جیسے ہمارے پاکستان میں کیک پیس ملتا ہے نا چائے وائے کے ساتھ ہم لوگ کھاتے ہیں، تو یہاں پہ یہ لوگ بھی کھاتے ہیں۔ اور میں نے تھوڑا سا ٹرائی کیا تھا، اچھا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے یہ شکر دی ہے سیفران والی، وہ میں یوز نہیں کر رہا، اس کا جو ٹریڈیشنل ذائقہ ہے وہ زیادہ پسند ہے، تو میں ایسی کیوں گا بغیر شکر سے۔ مجھے لگا اب گئی چیک۔ بابا ڈراتے بھی ہیں، بابا خطرناک، بابا بڑھاپے میں ایسے جوانی میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، اکیوں ہوتی ہے۔ یہ جو چائے ہے اس کے اندر یہ منٹ ہے، میرے خیال سے یہ کہوا وہی ہے جو وہ والا تھا جو پہلے ہم نے ٹرائی کیا، یا اس کا کلر تھوڑا سا اس سے لائٹ لگ رہا ہے، وہ والا تھوڑا سا ڈارک ہے، یہ ٹرائی کرتے ہیں، اس میں منٹ بہت ہے۔ وہ جو منٹ ہے وہ کچا انہوں نے ٹی میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا مزے کا ٹیسٹ اس میں ڈال رہا ہے ٹی میں، پرفیکٹ فار لائک دی آفٹر نون۔ ایون میں وہ بابا حاجی کہتے ہیں پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے، ضرور پیئے۔
आप देख रहे हैं कि एक लेयर जो है वो कहवे की है, उसके बाद बीच में जो है वो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से नींबू का रस है, नींबू का रस, और नीचे जो है वो शुगर वाटर है और हल्की सी इसमें मिठास है। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक दफ़ा ट्राई करता हूँ। चाय मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पी, और ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब ब्रैग कर रहा हूँ या मतलब बढ़ाई मार रहा हूँ, लेकिन बाकी मैं ये चाय में जो जायका जो फ्लेवर मेरे ख्याल से जो खुलूस और प्यार मोहम्मद बाबा ने डाला है ना, हाजी बाबा ने, उसका मज़ा आ रहा है मुझे, तो ये मैं पूरी पीऊँगा। बाबू जी ने प्यार भी किया है। भैया हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं असल रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमें लोकल्स ने यही बताया कि यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत ही ज़्यादा नायाब है, उम्दा है, और रिवायती खाने जो ईरान के हैं वो यहाँ पे आसानी मिल जाते हैं। पूरा दिन जो हमने कभी इधर कभी उधर हम लोग फिरते रहे, तो अब थकन दूर करने का वक्त आ गया, तो खाना खा के जान में जान आएगी, उसके बाद वीडियो को भी एंड करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि रिवायती ईरानी खाने जो हैं वो कैसे दिखते हैं और कैसा टेस्ट करते हैं। तो चलें अंदर आ जाएँ, ऑर्डर करते हैं। चुके हैं इस वक्त असल रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हमारे सामने जो है वो मज़ेदार और लजीज किस्म का बार्ली सूप जो है, जौ का जो सूप होता है वो आ चुका है। अच्छा मुझे लग रहा है इसमें मशरूम्स भी हैं, लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा नहीं, इसमें मेन्यू में लिखा हुआ नहीं है कि क्या क्या चीज़ें डालते हैं ये। हाँ मशरूम्स हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इसमें बार्ली है, मशरूम्स हैं, इसमें थोड़ा सा दूध भी डलता है, उसके अलावा इसके अंदर श्वेरिट कैरेट्स भी हैं, और उसके साथ यहाँ पे ये बुरानी बदाम जाम है जो कि गार्लिक और एग प्लांट को जो है वो चारकोल के ऊपर ये थोड़ा सा स्मोक करते हैं एग प्लांट को, और उसके साथ गार्लिक और थोड़ा सा फुल फैट जो है दूध इसमें या दही इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ यहाँ पे हमने यहाँ का ट्रेडिशनल दूध मंगवाया है जो कि मिक्स्ड हर्ब्स और स्पाइसेस थोड़ा सा डाल के बनाते हैं, योगर्ट ड्रिंक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ अपनी प्लेट में निकाल देता हूँ, चलिए ट्राई कर लो फॉरन। ओके लेट्स डू इट। अच्छा इसमें बड़े बड़े चंक्स भी हैं उसके एग प्लांट के। ये जो असल रेस्टोरेंट है भाई, ये टिपिकल और ट्रेडिशनल ईरान का जो खाना है वो सर्व करते हैं, और उसको थोड़ा सा मेरे पास से मॉडर्न ट्विस्ट देते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन वही जायके होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, ये बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है लोकल्स के बीच में। जो जायका है नहायत मज़े का है, क्रीमीनेस है सूप के अंदर, और जैसे हम लोग दलिया बनाते हैं दलिया है, लेकिन जिसमें खाली जौ है, जौ मशरूम कैरेट्स और दूध। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, फुहार पड़ रही है, तो इस तरह के मौसम में इस तरह की चीज़ मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। मैं सूप के साथ ट्राई करूँगा। अच्छा ये इसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा वैसे, चुमाक के साथ। अच्छा तो अब बारी आ गई है यहाँ पे मज़ेदार किस्म के मेन कोर्स की, तो हमारे पास मेन कोर्स में जो सबसे पहले चीज़ें आई हैं वो है भाई ये कुबीते कबाब, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये चुल्लू जोजे कबाब है, और उसके साथ हमने यहाँ पे काबली पुलाव मंगवाया है। तो धुएँ बड़े मज़ेदार किस्म के उठ रहे हैं, खुशबुएँ जो है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता अल्फाज में, बहुत मज़े की आ रही हैं। सबसे पहले मैं इसको बगैर ताखीर करवाए जो है कुबीते कबाब ट्राई करूँगा। अच्छा इसकी मज़ेदार चीज़ ये है कि ये बीफ और लैम दोनों को मिक्स करके उसका कीमा निकाल के जो है ये कबाब बनाते हैं, और ये वेल्डन होता है। इसमें एक और आता है जो थोड़ा सा रेयर होता है, वो हमने नहीं मंगवाया क्योंकि हम ये प्रेफर करते हैं जो थोड़ा सा पका हुआ हो। उसके साथ ये जो चुल्लू जोजे चिकन कबाब हैं ये थाई पीसेस होते हैं, और इसके साथ यहाँ पे ये स्पेशल पोमेग्रेनेट और वॉलनट का सॉस बनाते हैं जो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो अनार और फ्रूट का एक सॉस है जो इसके ऊपर इन्होंने डाला हुआ है, और यहाँ पे सेफ्रॉन राइस है, बटर है, ये लवाजमात जो हैं ये मेरे ख्याल से हर आपको ट्रेडिशनल ईरानी रेस्टोरेंट पे नज़र आएंगे कि चावल होंगे सेफ्रॉन वाले, उसके साथ टमाटर, एक हरी मिर्च होगी, कुछ जगहों पे प्याज भी होती है, और यहाँ से ऊपर बटर। तो मैं इसको सबसे पहले इसी देखो ट्राई करूँगा, और ये मुझे वो अपने चपटी कबाब याद आ गए, नहायत नरम, बहुत लजीज, बहुत सक्यूलेंट, बहुत जूसी कबाब है भाई। ये पाकिस्तान में मिलना शुरू हुआ ना इस तरह का कुबीते कबाब, जन्नती कबाब उसका नाम होगा, जो मीट की क्वालिटी है
वो निहायत अच्छी है, पता चल रहा है वो जायका जो मीट का आ रहा है ना, और ज़्यादा मसालों का जो है वो ओवर पावरिंग फ्लेवर या टेस्ट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चुल्लू जोजे चिकन कबाब हैं, जो कि चिकन थाइस हैं, और ऊपर जो है स्पेशल पोमेग्रेनेट और गोल्डन का सॉस है इसके। मैंने इस तरह के कबाब अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए। हमने एक और जगह भी काफ़ी मिलते जुलते चुल्लू जोजे कबाब खाए थे, लेकिन उसके ऊपर ये पोमेग्रेनेट और वॉलनट का सॉस नहीं था। सारा गेम जो है ये इन दोनों का मेरे ख्याल से फ्यूजन है, जो पोमेग्रेनेट और वॉलनट का एक बड़ा मज़ेदार वो हल्का सा टेंगी फ्लेवर आ रहा है पोमेग्रेनेट से, और थोड़ा सा वो जो नटी फ्लेवर है वो आ रहा है वॉलनट से, और वो चिकन का जायका चिकन में हल्के से मेरे ख्याल से हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं। कमाल है, तुम खाओगे तुम खिसक जाओगे। अगर आप लोग आ गए और आप लोगों ने खा लिया ना, आप लोग घुमाई देंगे। तो सुबह मैंने कहा था कि हम ईरान के कल्चर, फूड, पीपल, सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और वाकई में आज हमने ये किया है। इट इज़ लाइक 10 or 11 एट नाइट एंड आई एम जस्ट लाइक सुपर सैटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट आज का पूरा दिन ईरान को डेडिकेट था। तो असल रेस्टोरेंट में मैंने दोनों कबाब ट्राई किए हैं, A1 लाइक आई थिंक माई माइंड इज़ लाइक ब्लोन अवे। ये जो है ये सानी ने मेरे लिए छोड़ा था, बिकॉज आई एम अ ह्यूज काबुली फ्लोर फैन। तो ये ईरानी में बनी हुई है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ यू ईट इट, आई होप दिस इज हाउ यू ईट इट। सो आई एम गोना पुट इट आउट ऑन दिस ट्रे। इस काबुली फ्लोर के साथ इन्होंने ये अपनी दी है, सो आई एम गोना पोर दैट ओवर द राइस, एंड ओह अल्लाह लाइक इट स्मेल्स सो गुड। अच्छा पूरे नट्स और वही कैरेट्स और हर चीज़ नीचे चली गई। सो द लैम्ब इज़ लाइक सो टेंडर, मैंने अभी लिटरली नाइफ नहीं टच की, स्पून टच की, वो टूट गई है। तो मैंने नीचे से थोड़े से रेजिन, कैरेट और ये पूरी यखनी हर चीज़ मिक्स करके एक बहुत मज़े का लुकमा बनाया। एंड मैंने टेक अ बाइट, ओह यम, और मुझे लग रहा है कि ये इसी यखनी में पका है लाइक 5-6 घंटे, और वो यखनी इन्होंने हमें साइड पे दी है। सो ओ माय गॉड, तानी से मैं पास आवा नहीं हाजिर, हम ये इन्जॉय करेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो इन्जॉय किए, मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो। ये